कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है पत्थरों को नीचे डाला जाता है, उसके ऊपर से जो है लोहे की तार बिछाई जाती है, जिससे जो है कटने ना पाए वहाँ की जो है तारों को, जो है ये पत्थर वगैरह हटने ना पाए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जब हो जाएगी तो पानियों से जो है जो सड़क बह जाते हैं वो पत्थर ना बहने पाए। देखिए, और ये बहुत ही तरीके से यहाँ का निर्माण कार्य हो, जैसा कि आपको दिखा वीडियो में। तो चलिए आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ और क्या क्या निर्माण कार्य इस रूट पे हो रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही कुछ बनाया जाएगा इसमें, और कुछ आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये कुछ यहाँ पे सरिया वरिया डाल के जो है बनाया जा रहा है, और आगे की तरफ बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। देखिए आप, ये कुछ निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, और आगे तरफ एक स्टैचू बनाया गया है जो कि महाराणा प्रताप जी का है, और इसके आगे जो है कैंट एरिया है जहाँ पे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, और आगे जाएंगे वहां पे आपको जो है आगे तरफ बहुत ही अच्छा जो है चौक टाइप का बनाया गया है वहां पे भी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को लेकर चलने वाला हूँ अयोध्या जी के गुप्तार घाट की तरफ, जो कि पहले वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई होगी, आपने देखा होगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं कि किस तरीके से घाटों का निर्माण किया जा रहा है। सरजू नदी से जो है डायरेक्ट अयोध्या के ये आधा जो है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ तक पूरे के पूरे बाटी वाले बाबा तक जो है पूरा का पूरा निर्माण कार्य कैसे किस तरह का तरीके से जो है चल रहा है यहाँ पे घाटों का निर्माण, उस वीडियो में मैंने बना रखा है। और इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ कि गुप्तार घाट तक, यहाँ से लेकर गुप्तार घाट तक किन किन चीजों का निर्माण कार्य हो रहा है। अभी देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट कुछ यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जो कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है यहाँ पे किया जा रहा है पूरे अयोध्या में, और बहुत ही तीव्र गति से जो है इनका निर्माण किया जा रहा है। अभी आगे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो ये अमरूद की बगिया, ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। इस रूट पे आपको बहुत सारे अमरूद की बगिया वगैरह दिखाई देने वाले हैं दोस्तों, ये देखिए। और लोग यहाँ पे रहते भी हैं, अपने जो है कुछ पन्नी वन्नी लगा के जो है यहाँ पे रहते भी हैं, कुछ लोग बनाते खाते रहते हैं। और इस रूट पे दोस्तों देखिए, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, कुछ जो है यहाँ पे कुछ चीजें जो है बनाई जा रही, जो कि सामने आपको दिखाई देने वाला है वो देखिए, मिट्टी वगैरह हटाई जा रही है। हाँ, ये यहाँ पे भी जो है घाटों का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, ये देखिए आप, मतलब बहुत ही ज्यादा गति से यहाँ पे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई दिया दे रहा होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके, यहाँ पे जो है पत्थरों को नीचे डाला जाता है, उसके ऊपर से जो है लोहे की तार बिछाई जाती है, जिससे जो है कटने ना पाए वहाँ की जो है तारों को, जो है ये पत्थर वगैरह हटने ना पाए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जब हो जाएगी तो पानियों से जो है जो सड़क बह जाते हैं वो पत्थर ना बहने पाए। देखिए, और ये बहुत ही तरीके से यहाँ का निर्माण कार्य हो, जैसा कि आपको दिखा वीडियो में। तो चलिए आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ और क्या क्या निर्माण कार्य इस रूट पे हो रहे हैं। आप हमारे चैनल पे भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये पत्थर दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन पत्थरों को ले जाके जो है उस तरफ, मतलब कि जिधर से हम ये देखिए, ये इन पत्थरों को जो है लेकर जाते हैं इस तरीके से, कुछ जो है जो आपको क्रेन दिखाई दे रहा होगा, ये पत्थर उस तरफ जो है डालेंगे पत्थरों को, ये देखिए यहाँ से उठा के उस तरफ डालेंगे, वहाँ पे नीचे भी क्रेन है, वहाँ पे डायरेक्टली पत्थरों को जो है लगाते हैं। देखिए आप, नीचे की तरफ पूरे अच्छी तरीके से जो है लगा देंगे, और उसके ऊपर जो है तार वगैरह जो है बांधे जाते हैं, जिससे पत्थर जो है सरकने ना पाए। अभी देखिए कितनी गंदगी, कितना धूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बगल बगल में जो है मिट्टी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रोड का निर्माण है छोटा सा, और वहाँ पे ट्रक वगैरह भी खड़े हैं, उधर से जो कोई फोर व्हीलर वगैरह आते हैं तो मिट्टी की तरफ जाते हैं, तो मिट्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे उड़ती दिखाई देगी। ये पूरा बालू वाला इलाका, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा रिवर बहता है दोस्तों इस समय, जहाँ पे पानी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो भाई लेकर आ रहे हैं, ये वाला, यही वाला जो है लगाया जाता है वहाँ पे, तारों को जो है बांधा जाता है वहाँ पे। आइए, और यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर अभी यहाँ से गुप्तार घाट है, और ये तार यहाँ से जो है ले जाके वहाँ पे, ये देखिए सब लेकर जा रहे हैं तार, और वहाँ पे इन पत्थरों को बिछाया जाएगा पूरे रूट पे, यहाँ पे नीचे की तरफ बिछाया जाएगा, जहाँ पे अभी तक घाट का निर्माण नहीं हुआ, नीचे सीढ़ियों को बनाया जाएगा, उन्हीं के ऊपर जो है पूरा का पूरा सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि नीचे जो है पूरा का पूरा बालू है, तो अगर पानी आ जाए तो ये मिट्टी धंसने ना पाए वहां पे, इसलिए इसको किया जाता है।
अभी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, अभी थोड़े थोड़े जगहों पे जो है निर्माण कार्य अभी आ गया। वहाँ पे मैंने अभी आपको जो है दूसरे वीडियो में जो दिखाया था बाटी वाले बाबा में, वहाँ पे ये सारे निर्माण कार्य खत्म होके वहाँ पे क्या हो रहा है कि सीढ़ियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और सीढ़ियाँ वहाँ पे पहले जो है कुछ आगे की तरफ पहले बनी हुई थी, तो उन पे पत्थर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है अभी जो सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है उसके लिए जो इसके पहले का प्रोसेस जो होता है उसको लोग कर रहे हैं। आइए दिखाता हूँ। और ये पूरा माजा एरिया दोस्तों, यहाँ पे जो है पहले कोई भी चीज एकदम रद्दी के भाव यहाँ पे पहले जमीन बिकती थी, लेकिन जिसके पास थी दोस्तों वो आज माला माल है। उनके जमीनों का जो है कोई मोल ही नहीं है, इतना ज्यादा उनका जो है भाव हो गया है जमीनों का। ये देखिए जहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रही होगी, अभी यहाँ पे कम पानी नहीं, पूरे में जो है ये यहाँ पे सरजू नदी पूरे में बहती रहती है। और दोस्तों जैसे कि हम देख रहे होंगे आपको कि जैसे जिस तरीके से हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपको जो है सोलर लाइट जो स्ट्रीट लाइट है ये भी डायरेक्टली आपको सरजू घाट से लेकर पूरा गुप्तार घाट तक आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि पूरे रूट में इसको लगाया गया, पूरे रूट में। अगर आप इस जगह पे आते हैं रात में तो आपको यहाँ पे अंधेरा नहीं मिलने वाला है, पूरा का पूरा आपको जो है ये रूट जो है जगमग जगमग करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। और इसका रूट अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दोस्तों गुप्तार घाट। और अगर आप जो है फैजाबाद कैंट एरिया से अगर आप आना चाहते हैं गुप्तार घाट की तरफ, तो वहां से भी दिया गया रास्ता, लेकिन अगर आप अयोध्या से फैजाबाद कैंट की तरफ से आते हैं तो बहुत ही दूर आपको ये पड़ जाता है। अभी यहाँ पे जो है आगे की तरफ अगर इस रूट से आएंगे तो ये फैजाबाद कैंट की तरफ से ये रूट आता है दोस्तों। और इधर की तरफ जो है अंतिम संस्कार भी किया जाता है, अंतिम दाह भी किया जाता है, यहाँ पे बनाया गया है शमशान घाट भी बनाया गया है यहाँ का। लेकिन जो है ये देखिए ये वाला रूट देखिए दोस्तों, ये सीमेंटेड रूट ऐसे ही बनाया गया है और बहुत ही गजब का ये रूट, इतना चौड़ा रोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे बगल में घाटों का निर्माण किया जाएगा। अभी देखिए ये अभी जितने भी आपको झंखाड़ियाँ दिखाई दे रहे होंगे जो है पेड़ वगैरह जो है दिखाई दे रहे होंगे बगल में हमारे राइट हैंड साइड पे, वो सारे टूट ताड़ के जो है इनको जो है यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण नीचे हुआ है, लेकिन इनको जो है अभी फिर से जो है सीढ़ियों का डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट किया जाएगा और जो है इनका निर्माण और भी अच्छे से होगा यहाँ पे, जो कि आगे की तरफ हो रहा है। और ये देखिए यहाँ से मतलब ये पथ पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा दोस्तों, जैसा कि आपको जो है बहुत ही जल्द दिखाई देने वाला। इस बार जो आपको परिक्रमा जब आएगा दीपावली के बाद, तब इन रोडों को आप देखिएगा, रोडों को बिल्कुल ये एकदम जो है बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही फास्ट वर्क यहाँ पे चल रहा है। पहले रोड इतना ही था, अब ये इतना एक्स्ट्रा बनाया गया है, ऐसे ही इसके आगे भी निर्माण कार्य किया जाएगा। और इस पथ का नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पथ का नाम है लक्ष्मण पथ। लक्ष्मण पथ का निर्माण पूरे के पूरे 8.5 किलोमीटर गुप्तार घाट से सरजू घाट तक किया गया है। और ये देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपको गुप्तार घाट दिखने वाला है, जहाँ पे मैं आपको अभी लेकर चलने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन कौन यहाँ पे आया है, अपना जो है पूरा जो है कहाँ से है आप ये भी लिखिएगा, और जो है मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी देता रहता हूँ पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट का। ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे जो है अयोध्या से जुड़े हुए पूरे पूरे वीडियो आते रहते हैं दोस्तों। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखते हैं कि अयोध्या की पब्लिक जो है पागल है, ऐसा है ऐसा है, क्योंकि जो है यहाँ पे भाजपा को वोट नहीं दिया, वो हार गए हैं। भाई वो अलग मैटर है, वो मैटर नहीं जानता हूँ, लेकिन वो अलग बिल्कुल अलग मैटर है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। वो अपना अपना भाई सोच है, क्या है कैसे है क्या दिक्कत थी, लेकिन जो हुआ सो अच्छा ही हुआ भाई, क्योंकि बदलाव भी जरूरी होता है। और लेकिन भाजपा का तो भाई शासन है ही, बहुत ही अच्छा है भाजपा का शासन, मैं भी चाहता था। और मेरे उधर से जो है गोंडा की तरफ से जो है भाजपा ने जो है जीत दर्ज किया है केसरगंज, और जो है गोंडा की तरफ से जो है जीत उनको मिला है। अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है बगल बगल में यहाँ पे पेड़ भी लगाए गए हैं, जो कि डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। और जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है
बहुत ही छांव जो है यहाँ पे होने वाला, बहुत ही गजब का लगने वाला है। सामने आपको गुप्तार घाट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ मेट्रो स्टेशन वगैरह भी बनाए गए थे जो कि अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी की वजह से इनका जो है अभी रोका गया है। आइए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए। कुछ निर्माण कार्य इधर भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे जो है जो मेट्रो यहाँ पे अयोध्या जी में खड़ी हुई है, तो इसीलिए लाया गया था दोस्तों कि जो है राम मंदिर के जो उद्घाटन हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पे चलाया जा सके, लेकिन तो पानी इतना कम था कि उसको नहीं चलाया गया। और ये मेट्रो स्टेशन है पूरा यहीं पे, आने के बाद में यहाँ पे जो है लोग उतरेंगे इसी रूट से जो है ऊपर की तरफ आएंगे। और वहाँ पे आपको स्कूटर दिखाई दे रहा होगा जो कि पानी में एक्टिविटी कराते हैं। वहाँ पे कुछ इनका चार्ज होता है, तो उस चार्ज को देकर जो है यहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं पूरे के पूरे में, अगर आप करना चाहें तो। और ये देखिए, ये वाला जो है सरजू रिवर पूरा का पूरा बीच में सूखा है, लेकिन उस तरफ इस घाट के उस तरफ जो है पानी है, तो अभी ऐसे ही पूरे में पानी। अभी एक साल पहले की बात है दोस्तों, यहाँ तक पानी था पूरा का पूरा यहाँ तक। तो जो है बहुत ही जल्द जब बारिश होगी तो फिर उस पानी को जो है बढ़ जाएगा पानी का रफ्तार, तो फिर से जो है इन एक्टिविटियों को जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी मैं निर्माण कार्य कुछ दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया जाने वाला है जो कि बहुत ही जल्द जो है, जैसे इन रोड का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि आप गुप्तार घाट आ सके, तो गुप्तार घाट में जब पब्लिक ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे भी कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है कि यहाँ का भी वो लुत्फ उठा सके। अभी देखिए, ये सेल्फी पॉइंट, ये है यहाँ का मेन सेल्फी पॉइंट। और देखिए, आइए थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पूरा CCTV कैमरा वैमरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पे जो है कैमरे लगाए गए हैं, अच्छे अच्छे लाइट लगाए गए हैं कि अगर आप रात में यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे बोरियत फील नहीं होगा। बहुत ही गजब का निर्माण इन घाटों का जो है किया गया है दोस्तों, बहुत ही गजब का। और यहाँ पे भी आरती होती है रात में, तकरीबन जो है शाम को जो है संध्या में यहाँ पे आरती होती है, सुबह भी आरती होती है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है कुछ। और आगे वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है कि किन चीज़ों का जो है निर्माण हो रहा है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्ट दिखाई देने वाला है। आगे की तरफ जो है वहाँ पे एक स्टेचू महाराणा प्रताप जी की जो है यहाँ पे लगाई गई है, वहाँ तक मैं आपको लेकर चलता हूँ इस वीडियो में। ये देखिए, यहाँ पे जो है पार्क वगैरह कुछ बनाए, थीम पार्क वगैरह यहाँ पे जो है बनाए जा रहे हैं। और बहुत ही जब ये अभी तो भाई डेवलप में है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कैसा क्या निर्माण कार्य होगा, लेकिन जो है बहुत ही जल्द इनका भी निर्माण होकर जो है ख़त्म होने वाला है। जब ये निर्माण कार्य हो जाएगा तो यहाँ की भी मैं डिटेलिंग वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा निर्माण दिखा दूँ कि कैसा क्या निर्माण कार्य हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ही कुछ बनाया जाएगा इसमें। और कुछ आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आप, ये निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये कुछ यहाँ पे सरिया वरिया डाल के जो है बनाया जा रहा है। और आगे की तरफ बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, देखिए आप, ये कुछ निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। और आगे तरफ एक स्टैचू बनाया गया है जो कि महाराणा प्रताप जी का है, और इसके आगे जो है कैंट एरिया है जहाँ पे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। और आगे जाएंगे वहां पे आपको जो है आगे तरफ बहुत ही अच्छा जो है चौक टाइप का बनाया गया है वहां पे भी। और यहाँ पे अगर आप आना चाहें फैमिली के साथ तो आ सकते हैं, बहुत ही गजब का आपको बिल्कुल यहाँ पे बैठने बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, स्नान करना हो तो यहाँ पे देखिए, इन चीज़ों का निर्माण किया गया। इसके आगे मत जाइएगा, इधर ही रहिएगा यहाँ पे जो है, कि आपको जो है दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि आगे बहुत ही गहरा पानी है। और फिलहाल पानी जो है थोड़ा सा बढ़ा है लेवल, क्योंकि पहले इतना पानी था ही नहीं दोस्तों। ये देखिए, और ऐसे ऐसे कुछ बनाए गए हैं यहाँ पे, आप बैठ बैठ सकते हैं। आगे की तरफ देखिए, वो कुछ गोल टाइप का बनाया जा रहा है, इसमें में कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। ये देखिए, ये जो है अगर आप नहाते तो चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, किसके अंदर जाके आप जो है अपने कपड़ों को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका गुप्तार घाट। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले की वीडियो भी देखिएगा। पूरा का पूरा मैंने जो है 8.5 किलोमीटर पूरा का पूरा दो पार्ट में कवर किया, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है और आपको भी देखने में बोरियत फील होती, इसीलिए मैंने इस वीडियो को जो है दो पार्ट में किया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।